ज्यादा से ज्यादा मैं जल जाऊंगी ना, मुझे जलना स्वीकार है लाडो, लेकिन मासा की नफरत भरी नजरों का सामना नहीं। जा यहां से। नहीं भाभी, मासा! क्यों मासा, क्यों तोड़ा आपने मेरे से रिश्ता? क्यों? थारा और मारा रिश्ता उसी रात टूट गया था जिस रात तूने रणबीर के साथ संबंध रखा। मैं अपने बच्चे वीर की कसम खाकर कहती हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने जो भी किया आपके कहने पर किया। और मासा आपने क्या किया? उन झूठी तस्वीरों पर यकीन किया? आपको अपनी लल्ली पर भरोसा नहीं रहा? आपके संस्कार और आपकी शिक्षा पर आपको बिल्कुल यकीन नहीं है? क्या वाकई आपका विश्वास इतना कमजोर है? और अगर है तो आज पहली बार मैं अपने भविष्य के लिए और शादी के लिए फैसला करूंगी। और आपको मुझ पर वैसा ही विश्वास दिखाना होगा जैसा आज तक मैंने आपको दिखाया है। तो नौबत अब जहां तक पहुंच गई है कि तू हमारे पे हुक्म चलाएगी? नहीं मासा, मैं तो बस मां से अपना अधिकार मांग रही हूं। मासा, हर इंसान को अपनी राह चुनने का अधिकार है और मैं बस वही कर रही हूं। तू? नहीं मासा, आज नहीं, विनती करती हूं आपसे। देखो, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके। नहीं, मैं बताना चाहती कि मैंने शादी का फैसला आपकी वजह से लिया है। मेरी वजह से? कैसे? आपकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखती है। आपको आपसे ज्यादा आपकी फैमिली की चिंता होती है। उनसे बढ़कर आपको कोई नहीं है। और आपको खुद से ज्यादा मेरी और वीर की परवाह। थैंक यू मुझे कहना चाहिए मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे ये दिखाने के लिए मैं खुद से ज्यादा किसी और पर भरोसा कर सकती हूँ कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। I promise you, Sumant, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। स्वीटी, कम इन दोनों को डांस की प्रैक्टिस करवा दो वहां पर। जाओ। चल। मनन एंड अंतरा, काम। इन्हें भी प्रैक्टिस करवा दो। इस डांस में लड़के को लीड करना होता है और लड़की सिर्फ लड़के को फॉलो करेगी।
ओके फर्स्ट लेफ्ट सेकंड राइट एंड देन टर्न ओके थोड़ा सा रोमांटिकली होना चाहिए जन्म 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 साथ चलना यूं ही कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो तुम दर्द हो क्या हुआ एक दूसरों की आंखों में खोई गए और डांसर भूल ही गए मैं याद कराती हूँ फर्स्ट लेफ्ट सेकंड राइट देन टर्न ओके ओके स्टार्ट काश ये पल यहीं थम जाए हमेशा हमेशा के लिए ये पल जिसमें तुम हो मैं हूँ और हमारे बीच की वो सारी अनकही बातें जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ सुमन आज अगर ये सुमन बीच में नहीं आई होती तो नीचे निहारिका की हाथों में रणवीर के नाम की मेहंदी लग रही होती और सिंदूरा मित्तल अपने बेटे के संगीत में खुशी से झूम रही होती पर यहाँ यहाँ तो इस रोड छाप लड़की के लिए मेरा बेटा मुझसे नाराज होकर बैठा है थैंक गॉड फाइनली उसी ने रणवीर से शादी करने के लिए इनकार कर दिया लेकिन अब इससे पहले बात फिर से बिगड़े मुझे जल्द से जल्द रणवीर के लिए रिश्ता ढूंढना ही होगा सिंधु इतनी देर से थारी वेट कर रही थी फिर खुद ही चली आई कि अपनी प्रिय पक्की बेस्ट फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेशन कर दूं कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे बेटे की लाइफ बर्बाद करके मेरे गाल पर कॉन्ग्रेचुलेशंस का तमाचा मारने आई हो जी कैसी बातें करी है सिंधु मैं थारे को थप्पड़ क्यों मारूंगी भाई तू तुम्हारी बेस्ट बेस्ट पक्की सहेली है ये दोस्ती का ड्रामा ना अब बंद कर दो कलावती दोस्ती का ड्रामा जी क्या कह रही है सिंधु सच जो कड़वा होता है मैंने तुम जैसी सेल्फिश औरत आज तक नहीं देखी तुम्हारी दोस्ती के लिए मैंने क्या नहीं किया तुम्हारी दोनों गमार बेटियों को अपने परिवार की बहू बनाया और तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया अपनी विधवा बहू को मेरे बेटे के गले बांध दिया तुमने अरे मैं क्या करती सिंधु थारी सास मारे घर पहुंच गई और थारी सास के आगे तो मारे को अपना सर झुकाना ही पड़ा ना मेरी सास या फिर तुम्हारा डर वो डर कि अगर रणवीर सुमन की शादी नहीं होगी तो साहिल संजना से शादी नहीं करेगा राइट ना ना सिंधु रानी मैं तो खुद ना चाहूं थी कि जे शादी हो जा बता कोशिश तो तुमने बहुत की कलावती वो तो मेरे बेटे की किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी सुमन ने खुद इस शादी से इनकार कर दिया वो तब की बात थी अब उसने अपना फैसला बदल लिया दोनों ना डांस की प्रैक्टिस में लगे हुए हाँ व्हाट
और आज पहली बार मारे को आंख दिखा के कह रही थी कि अपने भविष्य का फैसला वो खुद करेगी। वाह, कितनी शान से तुम ये बात मुझे बता रही हो ना, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? तुम्हारी बहू तुम्हारे होते हुए फैसले कैसे ले सकती है? अरे सिंधु के बताऊं, मैंने तो ऐसी भूमिका बना ली थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और सुमन राजी होगी कि मना कर देगी शादी के लिए? वो तो एन बखत थारा छोरा आ गया और उसने पता नहीं के पट्टी पढ़ाई सुमन को कि सब गुड़ गोबर कर दिया और सुमन ने अपना फैसला बदल दिया। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सुमन ने उसे फोन करके बुलाया होगा ताकि फोटो देकर वो शादी तोड़ने का नाटक कर सके और शादी के पहले वो माँ बेटे के बीच में फूट डाल सके। तुम्हारी दो तके की बहू ने अपनी सिंप्लिसिटी का नाटक करके मेरे बेटे को फांसा है कलावती। तुम उसे रोकने के बजाय उसे यहाँ इस घर में मेहंदी और संगीत के फंक्शन के लिए लेकर आई हो। ना ना, बात ऐसी ना है सिंधु। सच कह रही हो और सच तो ये कि तुम्हारी खुद की नियत में खोट है। ए? और मुझे तो ये भी लगता है कि ये सारी चीज में तुम सास और बहू की प्लानिंग है। सिंधु जी के बकवास कर रही है तू? देख देख, माना कि तू नाराज है लेकिन मारे पे ये उल्टे सीधे लांछन जरा सोच समझ के लगा। सिंधु लांछन नहीं, सच है कलावती, सच। तभी तो तुम इस तरह अंदर ही अंदर तिल मिला रही हो। मैंने तुम्हारी दोस्ती की खातिर क्या नहीं किया कलावती? तुम्हारी बेटियों की शादी के लिए मैं अपने परिवार के खिलाफ गई और तुमने दोस्ती की आड़ में मुझे धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। बस ओके नाउ हैंडसम, अब ध्यान से सुनो। संजना तुम्हारे पास हीरोइन की तरह घूमकर आएगी और तुम्हें उसे होल्ड करना है, ठीक है? ये लड़की है लट्टू। चलो अब जो मैंने तुम्हें स्टेप बताए थे वो करके दिखाओ। अरे तुम्हें लगी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। लुक हैंडसम, तुम दोनों को प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे नहीं, इन्हें जरूरत है। तुम्हें दिमाग की जरूरत है, ठीक है? आओ और प्रैक्टिस करो वहाँ पर। हम दोनों भी वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर ले? हाँ तुम दोनों भी वहाँ जाकर प्रैक्टिस करो। मिस्टर एंड मिस, मेड फॉर ईच अदर। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप सिखाने जा रही हूँ। शर्माने का काम प्रैक्टिस के बाद करना। अब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ो और देन डांस स्टार्ट। जनम जनम जनम, चलो 4 3 2 1 स्टार्ट। कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही एक जान है, भले दो बदन हो जुदा। एक मिनट सुमन, तुम्हारे पैर में दर्द हो रही है क्या? नहीं तो। पक्का? वंस मोर सुमन ग्रेसफुली अच्छे से करो। 1 2 3 4 स्टार्ट। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना। आउच तन्वीर, क्या हुआ? पता नहीं अचानक से पैर में बहुत दर्द हो रही। इतना अच्छा डांस कर रहे थे फिर अचानक क्या हुआ? अब पता नहीं यार, वो अचानक से पैर में मोच आ गई। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे सुमन, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी शादी वाला घर है, अगर डॉक्टर आएगा तो लोग देखकर परेशान हो जाएंगे। इट्स ओके, बट वो क्या है ना बॉस, की पैर में बहुत दर्द है और मुझे नहीं लगता कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा। बहुत दर्द हो रही है यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रणवीर पैर दर्द का बहाना कर रहे हैं? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? ऑलमोस्ट डन आंटी जी।
भाई हम तो जे बताने आए थे कि मेहंदी की रस्म का शुभ मुहूर्त होने को है, तो जल्दी जल्दी चले अंदर। हाँ चाची चलिए। अच्छा तो ये है आपका दर्द, मैंने तो सुना था कभी झूठ नहीं बोलते। सुमन जिस झूठ से किसी का फायदा हो ना उसे झूठ नहीं कहते, बल्कि मैं नहीं दादी सा कहती। मैं धोखेबाज हूँ ना, तो तूने तो धोखेबाजी में PhD कर रखी है। अरे म्हारी बेटियों की शादी इस घर में करा के तूने कोई दोस्ती फोस्ती ना निभाई, बल्कि चाल चली है अपनी वो देवरानी है ना नूपुर, उसको नीचा दिखाने की बन रही है बड़ी। हाउ डेयर यू कलावती। अरे डेयरिंग तो बहुत है कलावती में, जे कलावती ने ना कच्ची गोलियां ना खेली है। थारी नियत तुम्हें उसी दिन भाग गई थी जब तू बड़ी मीठी छुरी बन के हमारे घर आई थी, भूल गई? तुम्हारी बेटियां जब मित्तल परिवार की बहुएं बनकर आएंगी ना, तो वो अपनी असली सास की नहीं सुनेंगी, वो सिर्फ मेरी सुनेंगी, मेरे कहे पे चलेगी बस। थारी आंखें बता रही हैं कि हमारा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है, इतना सुना है ना तो और सुन ले, मारी सुमन ने थारे बेटे को ना फंसाया, थारा छोरा मारी बहू सुमन के पीछे हाथ धो के पड़ गया था। तुम अब तक सुमन की साइड ले रही हो? हाँ वैसे तो तू बड़ी होशियार बनती है, जरा खुद सोच कि थारा छोरा कितना हैंडसम है, संस्कारी है, ऊंचे खानदान का है, वो एक विधवा एक बच्चे की माँ से शादी करने पे क्यों उतारू होगा? क्योंकि उसके सर पे मजनू का भूत सवार हो गया था। हाँ आशिक बन गया है वो हमारी सुमन के पीछे। थारे छोरे की आशिकी की वजह से मैं कलावती अपनी विधवा बहू की दोबारा शादी करने के धर्म संकट में फंस गई हूँ। अरे थारे को के पता कि कलेजे पे पत्थर रखना पड़े है बहू की दोबारा शादी करने के लिए। माना मैंने कि मारी मजबूरी थी, मजबूरी में मैंने हाँ की शादी के लिए, ताकि मारी छोरियां संजना और अंतरा का ब्याह हो जाए, और तू भी मारी जगह होती ना तो जय ही करती। तुम पालतू कुत्ते का नेचर जानती हो कलावती, जो उसे खाना खिलाता है ना वो उसे ही अपना मालिक बना लेता है, कभी पलटकर उस पर भौंकता नहीं है, काटता नहीं है, लेकिन तुम तो उससे भी बदतर निकली कलावती। सिंधु पहली बार थारे को अपना दोस्त कहते हुए शर्म आ रही है मारे को, तू है ऐसी दोस्ती पर? अरे थारा छोरा खुद गलतियां कर रहा है और मारे पे इल्जाम लगाती है, शर्म ना आई थारे को? आवाज नीची नीची आवाज करके बात करो मुझसे, तुम भूल रही हो कि इस वक्त तुम मेरे घर में हो, अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को 2 मिनट में यहां से धक्के मार कर निकाल सकती हूं, समझी? ये धमकी किसी और को देना, तू भी कोई दूध की धूली ना है, तूने अगर ये करने की सोची ना मैं भी पीछे ना हटूंगी, थारी पूरी असलियत मित्तल परिवार के सामने खोल के रख दूंगी। कलावती कलावती धमकियों से ना डरेगी, तूने मारी छोरियों की शादी तोड़ने की इतनी सी भी कोशिश की ना मैं नूपुर को थारा सब सच बता दूंगी, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनके बीच में तू एक नागिन पल रही है। कलावती आइंदा ये हाथ उठाना तो कलावती के रगों में इतनी तेजी है ना कि जे हाथ थारे धड़ से अलग कर दूंगी, समझी? आउट ऑफ माय रूम। अरे आउट तो मैं हो जाऊंगी, पर जे भी सुन ले, अगर तूने मारी छोरियों की जिंदगी बिगाड़ने की कोशिश भी की ना तो मैं भी तुझे मित्तल परिवार से आउट कर दूंगी। आज तक तुम्हारी पक्की सहेली थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, आज से दोस्ती खत्म और दुश्मनी शुरू।
निहारे को कलावती से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। आउट। तुम जानती नहीं कलावती कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। तुम्हारी लाइफ बिखेर के ना रख दी ना मैंने, तो मेरा नाम सिंदूरा मित्तल नहीं। और रही बात सुमन की, तो वो तो इस घर की बहू बनने के बस सपने ही देख सकती है। आई प्रॉमिस यू कलावती, अब संजना और अंतरा की शादी तोड़ने के लिए सिंदूरा मित्तल अपनी जान लगा देगी। यानी सिंदूरा ने धोखे से मनन और साहिल की शादी कलावती जी की बेटियों से तय कर दी। अगर इन दोनों की बातों में जरा सा भी सच है तो ये शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मुझे ये बात इन्हें और मासा को बतानी चाहिए?